नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बाढ़ पर राहत या सियासत, क्या चल रहा है? क्योंकि कुछ नावों को हमने देखा है तैरते हुए, कुछ चौकियों को, आप चौकी समझते होंगे, बिहार में आम की लकड़ी के चौकी बनाए जाते हैं, उन चौकी पर बच्चे सवार हैं, एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे हैं। जो लोग जिनका आशियाना डूब रहा है, आशियाना को बचाने में लगे हुए हैं, और अपने आशियाने को डूबना कितना कष्टकारी, इसे देखना कितना कष्टकारी होता है, आप शायद महसूस कर पाएंगे अगर आपका आशियाना, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो। आज की डिबेट इसी बात पर है कि चल क्या रहा है, राहत की बात हो रही है या फिर सियासत चल रही है। सियासत उन बयानों के इर्द गिर्द घूम रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आपके समय में हुजूर ये होता था, हमारे समय में ये हो रहा है, आपके समय में लोग डूबते थे, हमारे समय में लोग बचाए जा रहे हैं। लेकिन भाई, डूबने और बचाने की नौबत ही क्यों आ रही है? क्या कोई कॉन्क्रीट इंतजाम नहीं हो सकता था? क्या पानी को रोकने की क्षमता आज की इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, क्या कोई सरकार इतनी हिम्मत नहीं कर पाई? क्या सिर्फ साल दर साल सिर्फ बातें हो रही हैं और वोट की बात हो रही है? आज का सवाल इसी पर है, आज की डिबेट इसी पर है। आज की डिबेट को हम शुरू करें, पीयूष शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से, एनके चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। एनके चौधरी साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। कहां से आते हैं सर, पहले ये बताइए, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक और कई मुद्दों पर महारत हासिल करने के बाद आप डिबेट में तो आते हैं, लेकिन कितने लोग हैं? हो सकते हैं आपके स्टूडेंट्स जानते होंगे कि आप कहां से आते हैं, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि आपका घर कहां है, गांव कहां है, ताकि और भी चीजें स्पष्ट हो, हम उन चीजों को जोड़ पाएंगे। जैसे कि हम बाढ़ से आते हैं, प्रस्तावित जिला है, नाम ही बाढ़ है तो पानी भी बाढ़ की तरह वहां, लेकिन अभी स्थिति वैसी नहीं है। तो इनके चौधरी साहब, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं, आप शुरू कीजिए अपनी। मैं फॉर्मर दरभंगा जिला, पहले का दरभंगा जिला, आज का समस्तीपुर जिला से आता हूं और पिछले 60 साल से पटना में हूं। मैं आपको बताता हूं कि 1975 में जब यहां बाढ़ आई थी, मैं शिक्षक था पटना यूनिवर्सिटी का, और उस वक्त मैंने उन सारी सड़कों पर नाव चलाया था जिस पर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कभी नाव चली होगी। कहने का, जहां हम बैठे हैं यहां काफी पानी था, जहां आपका स्टूडियो पटना में स्थित है, मैंने उसमें काम किया था, शिक्षक था। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ, उसके बाद भी जो बाढ़ आई तो उसमें यूनिवर्सिटी से जुड़े रहने के कारण हमने कई बार राहत कार्य में भाग लिया। हाँ। और हमारे वक्त में ही ये कोसी पर ये बांध, हम जब यंग थे तो बनाया गया था। लेकिन आज मुझे एक बात याद आ रही है जिसको क्षमा करेंगे, मैं परिमल को 2005 के पहले, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं थे और लगातार चुनाव हार रहे थे, तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हॉल में 24 जून को, अब साल तो याद नहीं है लेकिन 5 के पहले की बात है, बाढ़ पर एक सेमिनार में मैं मंच पर था और माननीय नीतीश कुमार तत्कालीन उस समय मंत्री नहीं थे, और जगन्नाथ मिश्र जी थे जो मिथिला से आते हैं, कोसी क्षेत्र से आते हैं। मैंने उस वक्त कहा था, और यह बात आपके ने जो कहा उसे मिलती है, कि हम सेमिनार कर रहे हैं, किस बात पर सेमिनार कर रहे हैं, फ्लड, बाढ़, हमको मालूम है कि बाढ़ क्या है, हमको यह भी मालूम है कि बाढ़ क्यों आती है, हमको यह भी मालूम है कि बाढ़ कैसे रोकी जा सकती है, बिल्कुल, हमको यह भी मालूम है कि उस रोकने के लिए जो धन का की व्यवस्था होगी वर्ल्ड बैंक, ये भी हमको मालूम है, बिल्कुल। तो फिर हम क्या डिस्कस करते हैं हर साल, क्यों ऐसा होता है कि हम सेमिनार तक सीमित हो जाते हैं? हमने ये यहाँ कहा, और वो शायद उनको ध्यान में ही रख के कहा, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत उस समय भी सम्मान करते थे, बहस तो इस पर होनी चाहिए कि जो आदमी काम करना चाहता है वो चुनाव हार क्यों जाता है, और जो काम नहीं करता वो चुनाव जीत क्यों जाता है। एनके चौधरी साहब, और मैं बताऊं, मैं खत्म करूं? नहीं, खत्म नहीं करना है सर, खत्म नहीं करना है एनके चौधरी साहब, खत्म करने के लिए आज मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की डिबेट के एंकर आपको होना चाहिए, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव से, जिन 60 सालों का जिक्र आपने किया, राजधानी पटना में आपने नाव भी चलाई, कमर भर पानी में भी गए, और आज भी अगर बाढ़ की स्थिति 60 साल बाद भी है, तो एक उम्र खपाने के बाद मैं चाहता हूं कि आज आप ये जिम्मेदारी संभालें, और पूरी छूट है आपको, पूरी आजादी है कि आप किसी भी पार्टी से पूछ सकते हैं। परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, सारिका पासवान है प्रवक्ता आरजेडी से, पीयूष शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हैं, तो तीनों जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर सवाल समझ में आएगा तो जवाब दीजिएगा,
अगले सवाल जो है वो एनके चौधरी साहब की तरफ से शुरू होंगे। पहला सवाल पीयूष शर्मा प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, पूछिए जरा सर, सवाल पूछिए चौधरी साहब। अब मैं तो मुख्यमंत्री इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने मुझे गले लगा लिया, उसके बाद तो वो मंत्री हुए और आज ये स्थिति है। तो मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जब लालू जी थे तब भी और नीतीश जी पिछले 20 साल से हैं तब भी, स्थिति में कोई बदलाव मुझे नहीं नजर आ रही है। और जो भी सोल्यूशन उस समय बात की जा रही थी हाई डैम इंक्लूडिंग, और आज भी बात हो रही है, उसमें प्रगति नहीं हो पाई नहीं, और चीत्कार पुकार चीत्कार हाहाकार उसी तरह मचा। मैं जानना चाहता हूं परिमल जी, आज सत्ता में हैं आप लेकिन हिमांशु जी की बात हुई है तो पहले हिमांशु लाइए जरा आप, अब चौधरी जी को लाइए परिमल जी के सामने। हाँ क्यों क्यों ऐसी स्थिति है, क्या करें, बिहार की जनता कहां जाए? विवेक जी मत कहिए, नहीं नहीं अनुभवी और ना अनुभवी नहीं, आज विवेक जी को भूल ही जाए, नहीं नहीं आज तो सर सुनिए परिमल जी, आज हमें भूल जाइए, आज एनके चौधरी बोलिए, प्रोफेसर साहब बोलिए आज। हाँ प्रोफेसर साहब बोलवा दीजिए। हाँ नहीं प्रोफेसर साहब ये राजनीतिक विश्लेषक काफी विद्वान आदमी है, लेकिन मैं इनको बतला दूं ये अभी भी अभियोग लगा रहे हैं बिहार में क्या स्थिति है, इनको जानने का प्रयास करें, बिहार की भौगोलिक परिस्थिति को जानें। बिहार मैदानी क्षेत्र है नंबर वन, अधिकांश नदियां नेपाल से आती है, इंटरनेशनल फैक्टर पर डिपेंड करता है और वहां के राजनीतिक बात क्या है इसमें सर, वाटर रेस्टोरेशन डिपेंड कर, नहीं मैं बतलाता हूं कोसी क्षेत्र में, चूंकि कोसी नदी प्लेन मैदानी क्षेत्र से प्रभावित होती है प्रवाहित होती है, तो सामान्य रूप से मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों में लैटरल इरोजन की प्रक्रिया होती है और वो मार्ग में परिवर्तन नई बात है। क्या है वह एक फैक्टर, फिर आप देखिए, नहीं मैं क्लियर करता हूं, फिर बिहार में जो नदियां हैं वो लेटर मैच्योर स्टेज की है, वह मियंडर का फॉर्मेशन करती है और मियंडर जहां फॉर्मेशन होता है वहां नदी के जियोग्राफी वाली क्लास से नहीं चल रही है सर, होती है ठीक है, नहीं मैं प्रत्येक लेवल पर बताता हूँ, नहीं, तो नहीं, नहीं हमें ये जानना है क्या है, देखिए एक्चुअली इनके चौधरी लेट मी कम्प्लीट सर एक्चुअली कई स्थानों पर आप बाढ़ देखेंगे जैसे मद्रास में या मुंबई में, दिस इज मैन इंड्यूस फैक्टर, लेकिन इन बिहार इट इज टोटली नेचुरल डिजास्टर। नई बात क्या है, तीसरी बार पूछ रहा हूं, नई बात क्या है? नहीं परिमल जी, नई बात यह है मैं बता दूं सर, मुझे नई बात यह है कि सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और उसके प्रबंधन के लिए प्री डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों पर इफेक्टिव प्रयास किया है, लेकिन अभी क्लाइमेटिक चेंज के कारण नेपाल में 50-60 जवाब दीजिए ना, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और जवाब दे, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं पिछले 3 दिन से टेलीविजन और न्यूज 18 बिहार झारखंड विशेष रूप से देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास राहत नहीं पहुंची, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, नाम नहीं है, रिलीफ नहीं है, ये जानते हैं कि बाढ़ आएगी चौधरी सर, तो आज भी आप चैनल पर देखे होंगे दरभंगा के डीएम स्वयं बाढ़ राहत सामग्री का बोरा अपने उठा रहे हैं, सरकार बहुत संजीदा है, बगहा में कुछ लाचारी देखी गई तो वहां के अधिकारी को सस्पेंड किया गया, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार इसमें विशेष रूप से नजर रखे हुए, और आपको बतला दें कि पटना में जल संसाधन विभाग में बाढ़ नियंत्रण कोष के ये केंद्र की स्थापना की गई है 24/7 वहां अधिकारी, आप ये बताइए कि कहां रिलीफ कैंप है, आप इस स्थिति पर और मैं बता दूं रिलीफ कैंप पर जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई वो अत्यधिक, अरे ये एक्सपेक्टेड है, डिजास्टर फेनोमेना है एंड इट इज ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, सरकार के जो ये जो सरकार की जो ऑब्जेक्टिव है या सरकार के जो मंशा, आपका हाई डैम प्रोजेक्ट क्या हुआ, बोले दीजिए परमल जी, सरकार जनता की आवाज सुनिए, समझिए जनता की आवाज सुनिए, केवल राजनीतिक बात में दबाव नहीं दीजिए, आज संजय जहां हाई डैम की बात कर रहे हैं, आप पिछले 20 साल में 15 साल हाई डैम में कहीं कहीं इनको केंद्र में आप बोल हाई डैम, नहीं नहीं सुने हाई डैम के ऊपर क्या बातचीत हुई, सुने आप केंद्रीय सरकार का हिस्सा है, जो जो सवाल है केंद्रीय सरकार का हिस्सा है, देखिए सवाल केंद्रीय सरकार का हिस्सा है, परिमल जी आप इसको नकार नहीं सकते, हाई डैम के ऊपर क्या प्रगति हुई, परिमल जी नहीं नकार सकते, एक मिनट परिमल भाई नहीं, बच्चों से हाई डैम की बात कर रहे हैं, गलत बात, की उत्पत्ति उस क्षेत्र में, नहीं परिमल भाई
प्री डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। अरे कहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट, आप डिजास्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। मैनेजमेंट तो आपका जो है सो है, हमने मिटिगेशन का प्रयास किया। आपके मैनेजमेंट की कहानी अपने स्क्रीन पर नहीं चलाते और हमने, अरे आपके मैनेजमेंट की कहानी हमारे स्क्रीन पर चलती है डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की। अरे फिर वही आप माला चुप रहे हैं। अरे राम हरे राम, अरे रुकिए, चौकी पर जा रहे हैं। रियलिटी है, देखिए कोई रियलिटी नहीं है, रियलिटी वो है तो नाम नहीं है वितरित कर ये हम लोग। सच्चाई ये है जो स्क्रीन पर है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। मैं राजनीति से जुड़ा हुआ बच्चा नहीं हूँ, बाढ़ प्रभावित हो। मैं चलिए पीयूष शर्मा, ये पीयूष शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से, पीयूष शर्मा लॉजिकल आधार पर। ठीक है रुकिए रुकिए, लॉजिकल सुनिए सुनिए, लॉजिक बाढ़ पीड़ितों के सामने रुकिए रुकिए, बाढ़ पीड़ितों के सामने जब आप लॉजिक लेके जाएंगे ना तो फिर देख लीजिएगा, वो लोग तमाशा शुरू। अरे वहाँ कम्युनिटी किचन चल रहा है, कहाँ चल रहा है जा रही है। अरे थोड़ा थोड़ा ख्याल रखिए, दवाई की वितरण हो रहा है, हमारे पास की तस्वीरें हैं, लोग डूब रहे हैं। अरे पूरे पूरे, अरे आप कहाँ पर खाना परोस रहे हैं, चैनल पर देखा है, तस्वीरें परोस रहे हैं काफी संख्या में, जो एनडीआरएफ की टीम या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, आप डिजास्टर जो जल में डूब रहे हैं, आप डिजास्टर मैनेजमेंट पहुंचा रही है। पीयूष शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से, मौका हाँ पीयूष शर्मा। विवेक जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में चौधरी साहब ने जिन बातों का राहत सामग्री नहीं पहुंच रहा है और 60 साल तक के सरकार बिहार में क्या कर रही है, मैं बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। 1955 में तटबंध की शुरुआत हुई थी, 1962 में यह तटबंध बनकर के तैयार हुआ, 1962 में जब यह तटबंध का निर्माण हुआ तो उसकी आयु 25 वर्ष थी, उसकी आयु 25 वर्ष थी। हमारी सरकार एनडीए की सरकार ने लगातार इन महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र, बिहार की नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार 2014 के बाद मोदी जी से लगातार संपर्क करके एक नए तटबंध का किस प्रकार से निर्माण हो और बाढ़ राहत से सुरक्षा प्रदान हो इसके लिए बराबर प्रयास करने का काम कर रही है। आज भी दिल जीत लिया पीयूष शर्मा जी, दिल जीत लिया। 11,500 अभी आपकी सरकार है, आप यहाँ मजबूत स्थिति में हैं, केंद्र में आप मजबूत स्थिति में हैं, आपकी सरकार है। सरकार ने अगर प्रयास का नाम लेंगे, सुनिए, अगर प्रयास का नाम लेंगे तो हमारी जुबान से वाह ही निकलेगा। आप कहेंगे प्रयास हो रहा है, नहीं, नहीं, हमारी सरकार ने 11,500 रुपए की सहायता राशि केंद्र की मोदी सरकार ने देने का काम किया है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। विवेक जी, कल ही देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने प्रेस वार्ता के तहत एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह स्पष्ट दिशा निर्देश देने का काम किया है, मीडिया के समक्ष बताने का काम किया है कि 11 एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर के स्थिति का मुआयना कर रही है, उन्हें सहायता देने का काम कर रही है। 8 एनडीआरएफ की टीम बिहार में बनारस में है, 2 एनडीआरएफ की टीम मुख्यालय में है, 2 मुख्यालय में है, 3 बनारस में है, 2 झारखंड में है। समय आवश्यकता भी तो एयरलिफ्टिंग का भी काम कर रहा है सरकार, आया था दाएं पर और बैल पर लेख लिखने लगे। आपको जानकारी की कमी है, 2008 में जब कोसी की तरह एक में भी व्यक्ति ने हमें भी पूरी समय देने का काम करे, 2008 में जब यही त्रासदी आई थी तो बिहार की एनडीए सरकार ने 1,36,000 मकान बनाने का काम पुनर्स्थापित के अंतिम सवाल, 1,36,000 मकान बनाने का एक अंतिम सवाल मैं आपके सामने छोड़ूंगा। और मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ, जब तटबंध का निर्माण हुआ था तो उसमें बांधों की लंबाई 160 मीटर थी, ठीक है सारिका पासवान जी, जरा आइए, किलोमीटर थी, ठीक है, आज 13 नदियों, ठीक है सारिका पासवान जी, सारिका पासवान जी, सत्ता सत्ता पक्ष के पास कैलकुलेटर है, सारिका पासवान जी सत्ता पक्ष के पास कैलकुलेटर है और उनके पास वो स्केल भी है जिससे वो नाप लेते हैं। अरे रुकिए, अरे रुक जाइए, ठीक है आप नाप लेते हैं,
लेकिन जरा परेशानी नापने की कोशिश कीजिएगा। सारिका पासवान अपनी बात रखिए, आरजेडी का पक्ष क्या है इस पर, बाढ़ पर राहत हो रही है, सियासत हो रही है, क्या हो रहा है जरा बताइएगा, फिर आपसे भी एक आध दो सवाल कर लेंगे। बिल्कुल, भाजपा के अभी प्रवक्ता ततबंड 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 इतनी बार इन्होंने बोला ना कि मेरे तो सब्र का ततबंड रियली टूट गया एकदम, क्योंकि जो दृश्य हम देख रहे हैं ना, वाकई में इनके सारे दावे जो है ना वो विवेक जी एक स्टेटमेंट में दो अभी मत दीजिए, विवेक जी अभी मत दीजिए, अभी सारिका जी को खत्म कर दीजिए, बोले बोले दीजिए, बोले सारिका जी बोलते रहेगा मेरे समय में मत बोलिए। देखिए, बिहार में बाढ़ का मतलब होता है आपदा, अवसर और सियासत। आपदा किन के लिए? गरीबों के लिए। अवसर किन के लिए? अधिकारियों। नहीं नहीं, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। भाई आप लोग म्यूट करवा दो, म्यूट करिए। अवसर की बात करते हैं, स्टूडियो म्यूट, आर्थिक अवसर। ना ना ना, ऐसे नहीं मानिएगा, स्टूडियो म्यूट। सारिका जी आप बोलिए, आप मत सुनिएगा। हाँ बोलिए। बिल्कुल, देखिए आपदा मैंने इसलिए बोला गरीबों के लिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जो होते हैं वही गरीब होते हैं। वो तो पूरे साल भर घर कमाते हैं और मुश्किल से वो चार ईंटें जोड़ते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, सपने वो देखते हैं, और बाढ़ जब आती है उनके सारे सपनों को बहा करके ले चली जाती है। अवसर कैसे होता है भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए? हर साल ये बाढ़ के नाम पर, राहत के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की जो है ना सरकार के जो राहत कोष में आते हैं उसका हेर फेर गबन करते हैं। और सियासत कैसे होता है? ये वो जल विभाग, संसाधन विभाग जो है, ये वो मंत्रालय है जो हमेशा से ही सत्ताधारियों के पास रहा है। और एनडीए जो ये दम भरती है 18 साल से, मैं बताना चाहूंगी, मेरे पास भी आंकड़े हैं कि 18 सालों से आखिर बाढ़ राहत कोष में कितने पैसे हैं। 2017 का मैं आंकड़ा देना चाहूंगी, 317 करोड़ रुपए, 2018 में 305 करोड़ रुपए, 2019 में 219 करोड़ रुपए, 2020 में 201 करोड़ रुपए, 2021 में 170 करोड़ रुपए, 2022 में 130 करोड़, 2023 में 112 करोड़ और 2024 में 101 करोड़। यानी कि 1500 करोड़ रुपए जो है ना राहत कोष में आया। अरे इतना आप प्रतिदिन अगर बाढ़ के राहत कोष में, इतना में तो आप डैम बना लिए होते, आप इतना सारिका पासवान जी, आपको देख के तो हमको फ्लड स्कैम याद आ जाती है। आप अपनी बात याद कीजिए, सारिका पासवान जी याद कीजिए, रावी देवी के सरकार में जब फ्लड आया था खगड़िया में कोसी क्षेत्रों में, आपने क्या किया? आज आज कोसी क्षेत्रों के लोगों के, बाढ़ प्रभावित लोगों से माफी आप मांगे, इन लोगों ने क्या किया? मैं विवेक जी का बतलाता हूँ, इनके इनके घोटाले की कहानी। इन लोगों ने क्या किया कि एजी को, पटना के एजी को अपना अकाउंट दिया कि पटना से 50 ट्रक खाद्यान्न खगड़िया भेजे गए, और जब एजी ने उस अकाउंट का मिलान एरियल सर्वे से किया, एरियल फोटोग्राफी में किया, तो उन्होंने देखा कि भाई खगड़िया और पटना के बीच जो जलमार्ग है वो जलमग्न था, और इसका परिणाम ये हुआ। खाली सियासत हो रही है, इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा, आज की डिबेट को यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, समझ भी पा रहे होंगे, और साल दर साल हम फिर एक बार डॉक्टर एन के चौधरी की बात को रिपीट करना चाहेंगे कि उनका तजुर्बा झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, उनका तजुर्बा झूठ नहीं बोल रहा है, जो पीड़ित है उन्हें पता चल पा रहा है। और एक बात मुझे सारिका पासवान की ठीक लगी, ठीक है, ये सभी के साथ भी है कि भाई जितने पैसे आपने इसकी फंडिंग के लिए जमा किए सबको जोड़ दें तो हाई क्या सुपर हाई डैम बन जाएगा। तो फिर सवाल है कि जिनके हाथ में जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर करने का पूरा दारोमदार है, वो कर क्या रहे हैं? तो सिर्फ सियासत से बात नहीं चलेगी। और हाँ एक बात और, न्यूज 18 के रिपोर्टर्स पानी में कपड़े को मोड़कर, पैंट मोड़कर पानी में उतरे हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक भी बड़ा नेता नजर नहीं आया अभी तक, ये भी जनता देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये और खबरें यहां लगातार जारी हैं।